नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूँ जहांगीरपुर में। जी हाँ, यह पुराना शिवालय है, जहांगीरपुर का मंदिर है जहाँ मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर विश्व शांति के लिए, आपसी सद्भाव के लिए और कोरोना जैसी संक्रमित बीमारी से मुक्ति पाने की कामना के साथ आज यहाँ पर हवन यज्ञ किया गया है। और यह हवन यज्ञ निश्चित तौर से हमारा मनोबल बढ़ाएगा और कोरोना जैसी महामारी से निजात दिलाने और कोरोना के नियमों की पालना करने के संकल्प के साथ आज हवन यज्ञ किया गया है। और हमारे साथ कृष्ण चंद्र शास्त्री जी हैं, जिन्होंने पूरे विधि विधान से इस हवन में आहुति दी है। और तमाम जो जहांगीरपुर के गणमान्य लोग हैं, ग्रामीण हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस यज्ञ में शामिल होकर के संकल्प लिया है। आइए बात करते हैं सबसे पहले कृष्ण चंद्र शास्त्री जी से। शास्त्री जी, लगातार आप पूरे जिले में घूम रहे हैं और आपने हवन भी किया है, लोगों को प्रेरित किया है कोरोना के प्रति और हवन और यज्ञ के में आहुति डाल करके संकल्प लेने का, तो आज के विषय में आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं सभी यज्ञकर्ताओं को और जो यज्ञमाय उनको नमस्कार करता हूँ, संजय कैरे जी को बधाई देता हूँ जो यज्ञ हमारा सहयोग करते हैं जी। और हमारी सत्य प्रकाश जी जो भगत सिंह कमेटी के अध्यक्ष हैं, शुरुआत इनसे हुई थी। मैंने इनसे फोन किया था, इन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया और मुकेश जी और ये सारे अपने बुजुर्ग खड़े हैं, सबका इसमें आशीर्वाद था। और हमने लगभग 41 गाँवों में यज्ञ किया। और आज जैसे रामायण के समय से आप लेकर के चलो, रामायण में जब राम ने रावण के ऊपर युद्ध किया तो यज्ञ करके शुरुआत करी। श्री कृष्ण ने भी यज्ञ करके अश्वमेघ यज्ञ किया था, युधिष्ठिर के लिए जीत होगी उसकी। हमने भी एक ऐसा यज्ञ की शुरुआत करी, कोरोना से हमारी जीत हो। एक बात बताता हूँ, यज्ञ बहुत बड़ी चीज़ होती है। यज्ञ में श्रेष्ठतम कर्म, ये तो हमारे शास्त्रों ने कहा है, किंतु आज के आधुनिक जो डॉक्टर हैं, आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस बात को सहर स्वीकार किया कि यज्ञ से कोरोना को भगाया जा सकता है। क्योंकि जो तीसरी लहर की बात बार बार उठ रही थी और तीसरी लहर हवा में उठ रही थी, आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5 भौतिक तत्व हमारे होते हैं और भौतिक तत्वों की शुद्धि के लिए यज्ञ किया जाता है, जिससे हमारे शरीर की भी, जैसे शरीर हमारा बनता है तो भौतिक तत्वों से बनता है और संसार की जो सृष्टि है वो भी चलती है तो भौतिक तत्वों से चलती है, जैसे अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, इन तत्वों से ये सारी सृष्टि बनती है। अब ऑक्सीजन की जो बात होती थी, बार बार ऑक्सीजन नहीं मिल रही लोगों को, उसके ऊपर कारण क्या था? क्योंकि ऑक्सीजन रही नहीं, ऑक्सीजन प्रदूषित होगी और बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन शुद्ध होए हमारे को शुद्ध सांस नहीं मिल सकते। शुद्ध सांस नहीं मिल सकते तो हमारे फेफड़े मजबूत नहीं हो सकते, और फेफड़े जब जिसके मजबूत नहीं होते, किसी भी व्यक्ति के नहीं होते, तो बीमारी उसको जल्दी कवर करती, जल्दी पकड़ती है। और उस कारण से फेफड़े जब खराब होते हैं, इंजन का मुख्य केंद्र है, मतलब शरीर के इंजन का मुख्य कारण है फेफड़ा, और फेफड़ा जिसका खराब हो जाता है तो मृत्यु उसकी निश्चित हो जाती है। इसलिए यज्ञ करने से वायु शुद्ध होती है, वायु शुद्ध होती है तो ऑक्सीजन शुद्ध मिलती है, ऑक्सीजन शुद्ध मिलती है तो फेफड़े मजबूत होते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। फिर कोरोना जैसी महामारी जो है हमारे नजदीक नहीं लगती। आपने पता, हमारा रिकवरी रेट रोजाना बढ़ रहा है। हमने यज्ञ किया लगभग 41 गांवों में, हमारा जो गुड़िया खाप के गांव थे लगभग हमने सब में यज्ञ किया है। एक एक गांव में मैं गया हूँ, गली गली में मैं घूमया हूँ और हमने यज्ञ किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ जहांगीरपुर गांव का, क्योंकि ये शुरुआत हुई जहांगीरपुर गांव से और हमारे सत्य प्रकाश जी ने इसकी शुरुआत करी, मुकेश जी का इसमें बहुत आशीर्वाद रहा। जितने भी हमारे पूर्वज खड़े, हमारी मातृरी शक्ति खड़ी है, इनने एक एक कटोरी घी दे करके और सामग्री दे करके इस जो हवन को अश्वमेध यज्ञ बना दिया। और मैं मानता हूँ आज इस यज्ञ के कारण हम जीत गए। और सत्य ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद मैं समाचार कार्य का भी करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने इस यज्ञ को उत्साहवर्धन करने में अपनी आहुति समाचार माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को जगाया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ यज्ञ देवता के माध्यम से, हे परमात्मा हमारे देश को स्वस्थ रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवे, इस नारे को लेकर के हम चले थे। और आज विश्वास के साथ इस मंदिर में खड़ा होकर के मैं कहता हूँ, जल्दी हमने इस कोरोना नाम की बीमारी से मुक्ति मिलेगी और घर घर में यज्ञ होगा, द्वार द्वार पर यज्ञ होगा, गली गली में यज्ञ होगा। हमारा पुण्य वैसा ही समय आएगा जो रामायण के समय था, जो श्री कृष्ण के समय था, जल्दी ऐसा समय आएगा, हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। जी हाँ, आपने देखा कि यहाँ पर जहांगीरपुर के तमाम जो ग्रामीण हैं, माताएं बहनें हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और इस हवन की इस कुंड में उन्होंने आहुति डाली है, प्रार्थना की है कि हमारा देश जल्द ही स्वस्थ हो। और जैसा कि कृष्ण चंद्र शास्त्री जी ने भी कहा है कि अब हमारा जो रिकवरी दर है झज्जर जिले का, वो बहुत बढ़ रहा है और अब हम स्वस्थ होते जा रहे हैं।
हमारे साथ शहीद भगत सिंह ब्रिगेड समिति के प्रधान हैं भाई सत्य प्रकाश गुलिया जी, आइए उनसे भी जान लेते हैं यज्ञ का बड़ा महत्व है और ये शुरुआत का श्रेय आप लोगों को जाता है, क्या कहेंगे आज के आयोजन के बारे में? सबसे पहले तो भाई मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भाई शास्त्री जी जो कह रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा इन्हीं का सहयोग है जिन्होंने हम इस कोरोना महामारी से बचने के लिए इन्होंने हमको जगाया। मैं शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी से मैं अपील करता हूँ कि देशवासियों से हर महीने एक अपने घर में ज़रूर हवन होना चाहिए ताकि हम उसमें जितनी भी सामग्री है उसमें ताकतवर चीज़ें होती है और ताकतवर चीज़ें जब वायु में जाती है तो वो सभी को ऑक्सीजन मिलती है। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ आपका। जी धन्यवाद। और देखिए पूरा जो तरीका है आयुर्वेदिक तरीके से, हमारे सनातन तरीके से, पूरी तरह से पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए आज यहाँ पर जहांगीरपुर गांव में हवन यज्ञ किया गया। मुकेश भाई क्या कहेंगे? शास्त्री जी की प्रेरणा से और गांव की तरफ से जो आदमी हुआ है इसके लिए हम शास्त्री जी का, पंडित जी का और जो जितने भी हमारे बंधु और इसमें यज्ञ में आए उन सभी का स्वागत करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे यज्ञ हर महीने होते रहें तो गांव में बीमारी बहुत कम होने के चांस है क्योंकि इससे शुद्ध हवा होती है और ऑक्सीजन मिलती है। मैं यही प्रार्थना करूँगा कि सब घर में अपना अपना एक महीने में सब करवाएँ, इससे बहुत बढ़िया फायदा होगा, अच्छे परिणाम आएंगे। जी हाँ बढ़िया, आपने आहुति दी बाबूजी, हम देखिए तो कैसा लगता है, इससे पर्यावरण शुद्ध होता है, सांस में आसानी होती है लेने में ऑक्सीजन, सांस में लेने में आसानी होती है और शुद्ध हवा मिलेगी तो आसानी आप सांस में हो जाएगी। तो हमें इसी लिए तो इस यज्ञ को शुरुआत की और इसको पूरा करने का हरेक के दिल में ये जगह बनाई है कि भाई हर महीने इस यज्ञ को जरूर से जरूर कराएं। जी हाँ पूरी तरह से वातावरण शुद्ध होता है, मन में भी अच्छे विचार आते हैं हवन पे बैठने से। जी बहुजी क्या कहोगे, हवन में आत्मिक शांति मिलती है, लगता है कि हमने कुछ अच्छा कार्य किया है एकदम, और इसमें और भी हमने देखे को दूसरा भी करेगा बिल्कुल, और बहुत अच्छा वातावरण होता है और किसी भी आदमी कुछ टाइम के लिए तो भगवान के पास पहुंच बिल्कुल बिल्कुल अध्यात्म से जुड़ जाता है, हवन से मानसिक शांति भी मिलती है, लोगों का जो मन में जो विचार होते हैं वो शुद्धता की ओर बढ़ते हैं, धर्म कर्म की ओर बढ़ते हैं, आस्था बढ़ती है परमात्मा में, आस्था बढ़ती है और सद्कर्मों को लेकर के। जी हाँ इस हवन में जैसा कि शास्त्री जी ने बताया है कि संकल्प लिया गया है सद्कर्मों की ओर जाना, पर्यावरण को शुद्ध करना, ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण, शुद्ध वातावरण दें, पेड़ लगाएं, हवन करें जिससे हमारा पर्यावरण और वायुमंडल शुद्ध हो सके। माता जी नमस्कार। तो आज आपने आहुति दी है वन में, कैसा लगा? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। तो जो बच्चे हैं वो अच्छी हवा में सांस ले लेंगे, अचल दिशा में जाएगी हवा, सब ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुख शांति मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत जी क्या कहोगे, अच्छा लग रहा है? हाँ जी बहुत बढ़िया। तो इस कोरोना जैसी महामारी से आपको लगता है कि भाई वायुमंडल शुद्ध होगा हमें? हाँ जी बिल्कुल। जी जी जी। और आपने देखा कि यहाँ पर पंडित जी से भी जानेंगे, पंडित जी आज बड़ा अच्छा दिन है, शुभ दिन है कि जहांगीरपुर गांव में, इस पवित्र गांव में यज्ञ किया गया है लोगों की शांति के लिए, लोगों के सुख बेहतर स्वास्थ्य के लिए। जी देखिए यज्ञ करना अच्छा होता है, हमारा धर्म है, हिंदू धर्म में यज्ञ को ही सर्वोपरि मनाया है। कहते हैं कि इस यज्ञ करने से काफी देवता खुश होते हैं, घर में सुख शांति होती है, वायुमंडल शुद्ध होता है और जब वायुमंडल शुद्ध होगा तो हमारे लिए सांस लेने में भी सुविधा मिलेगी। बहुत बढ़िया जी, वैसे आपने भी आहुति दी है, अच्छा लगा हवन से, मन में अच्छे विचार आते हैं। हाँ जी शुद्धता की और भगवान का नाम लेना है, पर्यावरण को ठीक करना हमारा दायित्व है। अच्छा लगा जी। चलिए और अंत में एक बार शास्त्री जी से भी संक्षेप में चाहेंगे कि तमाम जो हमारा चैनल देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे, यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगा, जैसे हमारी प्राचीन पद्धति में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व था, हमारे शास्त्रों के अंदर तो यज्ञ को परोपकारार्थम इदम शरीरम, ये शरीर परोपकार के लिए बनाया, इसी प्रकार से यज्ञ भी परोपकार के लिए बनाया। मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, आज के वैज्ञानिकों ने इस बात को सहर स्वीकार किया है, जो यज्ञ ये हमने किया है ये एक भी नहीं लग यहाँ पर किसी प्रकार को कोई कीटाणु नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, प्राकृतिक आपदा से भी बचेंगे ऐसा कहा गया है, प्राकृतिक आपदा से विपदा से भी बचेंगे। अंत में एक संदेश आपकी तरफ से शहीद भगत सिंह ब्रिगेड की ओर से क्या कहेंगे लोगों को? मैं तो भाई साहब यही कहूंगा कि अपने घर में हवन करवाए। अच्छा। और ज्यादा से ज्यादा अब की बार मेरी अपील है सभी मेरे गांव वासियों से खासकर, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और हर रोज तो नहीं महीने में एक बार हवन हवन जरूर कराएं। मुकेश भाई क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे गांव वासियों को, आपने एक अच्छी शुरुआत कर दी। यही मैसेज देना चाहूंगा जी, हवन बहुत शुद्ध चीज है, ये सबसे बेस्ट है,
बेस्ट है। हाँ, वातावरण के लिए इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है ये। अगर महीने में एक हवन दो हवन हो जाए तो इससे पर्यावरण बढ़िया हमारे गांव में सुख चैन शांति होगी। शांति रहेगी। क्या नाम है आपका? आहुति दी है आपने? यस। कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा, वेरी गुड वेरी गुड। एक बेटी से ही बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? दीप्ति। दीप्ति, अच्छा आपने हवन में आहुति दी है। शास्त्री जी के मंत्र को आपने सुना है ध्यान से? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो देखिए दोस्तों, जहांगीरपुर गांव में आज यहां पर बहुत अच्छा देख कार्य किया गया है। तमाम मातृशक्ति महिलाएं बेटियां और गांव के गणमान्य बुजुर्ग यहां मौजूद थे, और भाई सतप्रकाश जी ने, मुकेश जी ने, शास्त्री जी ने और पंडित जी ने आज एक अपील भी की है कि हम सब अपने अपने घरों में अपने परिवार के समेत अपने बच्चों के समेत हवन अवश्य करें और पेड़ लगाने में भी सहयोग करें।